कुरान की कसम खा के बोल किसी को नहीं भेजा भेजियो, बहुत कुरान की कसम खा के मुसलमान है ना, तेरे को भेजा नहीं फिर इधर क्यों भेजा, ऐसा वीडियो बना के क्यों भेजा है, बोल मैं तुम्हारे भाई को बोलो कुरान की कसम खाने के लिए वीडियो किसको किसको सेंड किया, कोई मुश्किल नहीं, ये 20 लाख 50 लाख का मैटर नहीं है, 15,000 का मैटर है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर करेगा, ज्यादा इधर वीडियो बनाएगा, कोई टेंशन नहीं है, फिर ज्यादा पैसा काट लेगा, अच्छा होगा क्या उसमें, बोलिए मेरे को भाई को कॉल करने के लिए बोला वीडियो किसको किसको भेजा है पूछो भाई को, ठीक है, ये वीडियो से मेरे को जाता नहीं आता भी नहीं, 15,000 का मैटर है, 15 लाख का मैटर नहीं, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप लोग का मालूम होगा कि मैं हर फॉरवर्ड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों को समझाता रहता हूं एजेंट और ऑफिस वाले कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं विदेश भेजने के नाम पे, और हर वीडियो में यही बोलता हूं दोस्तों आप लोगों को कि किसी एजेंट या ऑफिस वाले का वीडियो देख कर आप लोग उस पर भरोसा मत कीजिए, पहले उस एजेंट या ऑफिस वाले के बारे में किसी और भाई से पता लगा लीजिए, फिर आप लोग उसके ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए, और आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए विदेश आने में, जैसे ही आप लोग जल्दबाजी करते हैं ना तो कोई भी ऑफिस वाले को चांस मिल जाता है आप लोग के साथ फ्रॉड करने का। और मैं यही बोलता हूं दोस्तों आप लोग घर बैठे किसी एजेंट या ऑफिस वाले के अकाउंट में पैसा मत दीजिए, उसके ऑफिस पे जाके आप लोग इंटरव्यू मारिए, इंटरव्यू पास आप लोग हो जाते हो फिर आप लोग मेडिकल करा के, और जितना कोशिश कीजिए कि आप लोग उसको एडवांस मत दीजिए, अगर ऑफिस वाला बोला है कि आपका एडवांस लगेगा तो आप लोग 10,000 से ज्यादा आप लोग किसी भी ऑफिस वाले को एडवांस मत दीजिए दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोग बता दूं दोस्तों एक भाई के साथ फ्रॉड हुआ है, और वो भाई कौन सा है और किस ऑफिस पे उनका फ्रॉड हुआ है मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, और उस ऑफिस वाले ने इस भाई का कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो गया अभी तक वो एडवांस का पैसा वापस नहीं करा है, मैं भी उस ऑफिस वाले से बात किया, मैं बोला भाई आप इनका पैसा वापस कर दीजिए, और वो ऑफिस वाला मेरे को भी टाइम पे टाइम देते देते मेरे को भी 1 महीना हो गया लेकिन वो अभी तक इस भाई का पैसा वापस नहीं किया। फिर ये भाई जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो मेरे पास कॉल किए, मैसेज किए, बोल रहे हैं कि भाई आप वीडियो बना दीजिए, अब लगता है मेरा पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं इस भाई को बोला ठीक है भाई मैं वीडियो बना देता हूं, लेकिन आप भी उसके ऊपर एक FIR कर दीजिए और मैं वीडियो भी बना देता हूं कि कम से कम आने वाला वक्त में किसी और भाई के साथ वो फ्रॉड ना कर पाए। और मैं आप लोग बताता हूँ दोस्तों बहुत से भाई लोगों के साथ फ्रॉड होता है और वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करते हैं, और मैं जैसे ही उनको बोलता हूँ भाई आप वीडियो बना के भेजिए तो वो बोलते हैं भाई वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा, तो बस अपने फायदे में सोचते हैं, लोगों के फायदे के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं दोस्तों। जब हम लोग वीडियो बनाएंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे तो कम से कम हमारे साथ या आपके साथ फ्रॉड हो गए, आने वाला वक्त में किसी और भाई के साथ वो फ्रॉड नहीं कर सकता दोस्तों। हम लोग इंसान है और इंसानियत को कम से कम हम लोग को रखना चाहिए कि कम से कम हमारे साथ जो दर्द हो रहा है, जो हमारे साथ परेशानी हो रहा है, वो किसी और भाई के साथ वो परेशानी ना हो। इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और सबूत के तौर पे बनाता हूँ, और मैं ये नहीं सोचता हूँ दोस्तों किसी एजेंट या ऑफिस वाले के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊँ, जो एजेंट या ऑफिस वाले जो पैसा पासपोर्ट वापस कर देते हैं ना मैं उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों, लेकिन जो पैसा वापस नहीं करते मैं उनके ही खिलाफ में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले जिन भाई के साथ फ्रॉड हुआ है उनका आप लोग ध्यान से वीडियो सुन लीजिए, और मैं भी ऑफिस वाले से बात किया हूँ वो भी यहाँ पे सबूत में लगा दूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनका आप लोग यहाँ पे वीडियो देख सकते हो पूरा, वो एक एक बात वो वीडियो में डिटेल में आप लोग को बताएं दोस्तों, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर हुसैन है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरे साथ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, कोलकाता हावड़ा आमतल्ला बाईपास रोड धोपर मोड़ गुलाम मार्केट बिष्णुपुर साउथ का एक एजेंट है राजा ट्रेवलर्स, उसका नाम ओरिजिनल नाम है मिस्टर अरुण सेठ। इसने मुझे अजरबैजान जाने के नाम से 20,000 रुपया ले लिया है और फेक ऑफर लेटर दिया है और फेक 1 महीने का टूरिज़्म वीज़ा दिया था अजरबैजान का, और बाद में बोलता है कि वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा तो आप लोग का काम नहीं होगा, दूसरा जगह जाना चाहते हैं तो बोलिए। तो हमने बोला कि नहीं हम दूसरा जगह नहीं जाना चाहते हैं, हमारा वो ट्रेड अभी नहीं आया है और हम दूसरा जगह नहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे या नहीं तो छोड़ दीजिए।
तो वो बोला अच्छा ठीक है, इसे नहीं जाइएगा तो आपका 20,000 रुपया रिटर्न हो जाएगा। ऐसा करके करके आज कल करके एक हफ्ता बाद दे देंगे, कभी बोलता है एक महीना बाद दे देंगे, कभी बोलता है 2 महीना बाद दे देंगे। ऐसे करके करके 5 महीने के बाद मुझे वो 5,000 रुपया दिया है। और 5 महीने के बाद फिर वो 15 दिन का टाइम लिया था कि आपका बचा हुआ पूरा पैसा हम दे देंगे, लेकिन वो आज तक वो नहीं दिया है। और अब फ़ोन करता हूँ तो वो उठाता भी नहीं है, और व्हाट्सअप करता हूँ तो उसका भी कुछ जवाब नहीं देता है। इसका ऑफिस है आम तल्ला बाईपास रोड धोपर मोड़ गुलाम मार्केट पुलिस स्टेशन बिश्नुपुर साउथ। इसका नाम है राजा ट्रेवलर्स, ऑफिस का नाम है। और इसका ये वीडियो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये ऑफिस है दोस्तों कलकत्ता में, और राजा ट्रेवल ऑफिस के नाम से इसका कार्ड है मेरे पास। ये वीडियो में मैं लगा दूंगा। उस भाई को मैं बोला हूँ भाई कार्ड वो भेज दीजिए, कार्ड भेजे थे लेकिन मेरे से डिलीट हो गया दोस्तों। और जैसे ही ये भाई मेरे पास पूरा सबूत भेजे, मैं सोचा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, मैं कम से कम उस ऑफिस वाले से एक बार बात करता हूँ। मैं उस ऑफिस वाले से भी बात किया और वो ऑफिस वाले मेरे को बोले ठीक है भाई आपका पैसा मिल जाएगा। आप कम से कम मंगलवार को वो 8 दिन का टाइम लिए थे और लगभग मेरे को लगता है कि 1 महीना हो गया दोस्त। आप उनका रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे सुन सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो ठीक है, मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा पैसा 15,000 है अभी मेरे को पता है अपने, ठीक है ना। मैं पैसा उसको भूल के दिला दूंगा, टेंशन लेने का नहीं होगा। क्या होगा बाबा, 15,000 तुम्हारा खा लेंगे तो हमको जिंदगी भर हो जाएगा, चल जाएगा ना, यही सोचता है। मिल जाएगा तुम्हारा पैसा, बेफिक्र में रहो, खाली एक बार उसको बात करने बोलो राय ऐसे हो क्या। रिकॉर्डिंग आप सुन लिए दोस्तों, ये मेरे से बोले थे भाई आप टेंशन मत लीजिए, हम पैसा आपको वापस दिला देंगे। मैं ये नहीं बोला था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये बोला था भाई जिनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मेरा पैसा आप वापस कर दीजिए। तो ये बोलने लगे भाई हम 15,000-20,000 रुपया में राजा नहीं बन जाएंगे। मैं बोला भाई हमारे लिए 15,000 रुपया बहुत है, आपके लिए कुछ नहीं है, हमारा जो पैसा है 15,000 रुपया वो वापस कर दीजिए। और आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो पैसा ऑनलाइन दिए हैं वो 20,000 रुपया दिए हैं हारून शेख के नाम से, और इनके पास पूरा सबूत है, फिर भी वो ऑफिस वाला पैसा नहीं दे रहा है। और वो बोल रहा है आप FIR भी कर दोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए बोलता हूँ दोस्तों, ये ऑफिस वाले भी पुलिस वाले से मिले होते हैं, और उसका जो ऑफिस है ना वो भी पुलिस चौकी के पास ही है, ठीक है। और मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि आप लोग आज के समय में किसी एजेंट या ऑफिस वाले पे आप लोग जल्दी भरोसा मत कीजिए। जैसे आप लोग इतना दिन इंतजार किए वैसे आप लोग 10-12 दिन और इंतजार कीजिए, और किसी अच्छे ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए, और कोशिश कीजिए कि वो कम से कम ऑफिस है, आप लोग किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। और एजेंट भी हो तो कम से कम वो भरोसा वाला हो, आपको जानने वाला हो, पहचान वाला हो, तभी आप लोग उसके साथ किसी अच्छे ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए दोस्तों। और कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला अगर आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो कि कम से कम मैं लोगों को सावधान कर सकूं। बहुत से भाई लोग वीडियो नहीं भेजते हैं, बोलते हैं भाई वीडियो भेजने से क्या फायदा, FIR करने से क्या फायदा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, तब अपना जो पैसा उसको दिए हो वो पैसा भूल जाइए, क्योंकि पैसे लेने से आपको क्या फायदा होगा। इंसान जो है ना दोस्तों वो बस अपने बारे में सोचता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता है, और इसीलिए उनके साथ गलत होता है। और हम लोग इंसान है और हमारा फर्ज ये बनता है कि कम से कम हम लोग लोगों के बारे में सोचे और हम लोग अच्छे कर्म करें दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला समय में कि कोई एजेंट या ऑफिस वाला किसी भाई के साथ फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।